राधे राधे एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपको लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़े नियमों के बारे में बताऊंगी। लड्डू गोपाल की सेवा हमें कैसे करनी चाहिए, लड्डू गोपाल की सेवा पीरियड्स में हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लड्डू गोपाल को किन किन चीज़ों को हमें भोग लगाना चाहिए, अगर तुलसी दल नहीं है तो लड्डू गोपाल को भोग कैसे लगाना। आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लड्डू गोपाल से जुड़ी सारी बातें आप लोगों को आज की वीडियो में जानने के लिए मिलेंगी, आप अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग भगवान श्री कृष्ण के कई रूपों में पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण बाल स्वरूप लड्डू गोपाल कहलाते हैं। लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बचपन का नाम है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण की माता यशोदा और गोकुलवासी उन्हें इसी नाम से पुकारते थे। अगर आपने भी अपने लड्डू गोपाल यानी घर पर भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को स्थापित किया है तो उनकी सेवा हमें कैसे करनी है और सेवा के क्या क्या नियम हैं, क्या क्या पालन है जो हमें करने चाहिए, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सेवा के नियम क्या क्या हैं। लड्डू गोपाल को रोजाना सुबह स्नान कराएं। बता दें कि लड्डू गोपाल को मौसम के अनुसार गर्म या ठंडे जल से स्नान कराया जाता है। सर्दियां हैं तो गुनगुने जल से स्नान कराएं और गर्मियां हैं तो सादा जल से स्नान कराएं। लड्डू गोपाल को रोजाना पूजा अर्चना के बाद सात्विक भोजन का भोग लगाया जाता है। लड्डू गोपाल को स्नान के बाद उनको साफ स्वच्छ कपड़े धारण कराए जाते हैं यानी वस्त्र पहनाए जाते हैं। घर पर जिस तरह से छोटे बच्चे को लोरी सुनाकर सुलाया जाता है ठीक उसी प्रकार लड्डू गोपाल को भी लोरी या फिर कोई भजन या फिर उनको थपथपाकर सुलाया जाता है। लड्डू गोपाल को दें कोई नाम क्योंकि लड्डू गोपाल हमारे घर के सदस्य हैं। जब भी आप अपने घर में नए लड्डू गोपाल लेकर के आएँ उनका कोई ना कोई नाम जरूर रखें। घर पर लड्डू गोपाल को स्थापित करने के बाद में वे परिवार के एक सदस्य ही हो जाते हैं। ऐसे में आप उन्हें प्यार से कोई एक नाम दे सकते हैं, उन्हें किसी नाम से पुकार सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ, एक बहुत ही ज़रूरी बात। ईश्वर को जब हम प्रेम करते हैं तो वहाँ पर कोई नियम नहीं होते हैं, कोई शर्त नहीं होती है, क्योंकि जहाँ नियम होते हैं वहाँ प्रेम नहीं होता है। मेरे पास एक प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है कि तुलसी दल नहीं है हम भोग कैसे लगाएं। अगर तुलसी दल का हम भोग भी लगाते हैं, हमारे घर में इतने सदस्य नहीं हैं उसको सेवन करने के लिए, तो बाद में उस तुलसी दल का हम क्या करें। आपके पास तुलसी दल नहीं है यानी तुलसी पत्ते नहीं है या आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है, तो ऐसे में क्या करें। तो जब आप भोग लगाएं या भोजन कराएं लड्डू गोपाल को तो तुलसी की माला का प्रयोग करते हुए आप लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं। एक ही तुलसी का पत्ता जो होता है 11 दिन तक खराब नहीं होता है यानी अशुद्ध नहीं होता है यानी बासी नहीं होता है, तो इसलिए उस तुलसी दल को धो करके आप 11 दिन तक उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं लड्डू गोपाल को किन किन चीज़ों का भोग नहीं लगाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं सब्जियों में लड्डू गोपाल को किन चीज़ों का भोग नहीं लगाया जाता है। मशरूम का भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगाया जाता है, सोया चाप का भोग नहीं लगाया जाता है। मशरूम की जो उत्पत्ति है कुछ अजीब ढंग से होती है तो इसलिए उसका भोग नहीं लगाते हैं। और दालों में मसूर की दाल का भोग नहीं लगता है लड्डू गोपाल को, उसकी उत्पत्ति असुर के रक्त से हुई थी इसलिए उसका भोग नहीं लगाते हैं। सब्जियों में गाजर का भोग नहीं लगाते हैं यानी गाजर के हलवे का भी भोग नहीं लगाया जाता है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि बैंगन का भी भोग नहीं लगता है, पर ऐसा नहीं है, लड्डू गोपाल को बैंगन का भोग लगा सकते हैं यानी बैंगन की सब्जी का। और लहसुन प्याज की बनी हुई किसी भी सब्जी का भोग नहीं लगाया जाता है लड्डू गोपाल को। मूली का भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगता है। फलों में लड्डू गोपाल को जामुन का भोग बिल्कुल भी नहीं लगाया जाता है। ड्राई फ्रूट्स में बात करें तो ड्राई फ्रूट्स के सभी का भोग लड्डू गोपाल को आप लगा सकते हैं। और ड्रिंक की बात करें तो लड्डू गोपाल को कोल्ड ड्रिंक का भोग नहीं लगता है। आप चाहें तो फ्रूटी का भोग लड्डू गोपाल को लगा सकते हैं, लस्सी का भोग लगा सकते हैं, रुआबजा का शरबत बनाकर लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं। अब बात करते हैं चॉकलेट का भोग लड्डू गोपाल को लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। चॉकलेट का भोग नहीं लगता है। आप चाहें तो डेयरी मिल्क चॉकलेट का भोग, आप पतंजलि की चॉकलेट का भोग लगा सकते हैं लड्डू गोपाल को। चॉकलेट में अंडा होता है इसलिए भोग नहीं लगता है। बिस्किट में भी कुछ बिस्किट अंडे वाले होते हैं तो उन बिस्किटों का भी भोग नहीं लगाया जाता है। जब भी आप खरीदें लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए तो ये देख कर खरीदें कि उसमें अंडा ना हो। चाय की बात करें तो चाय का भी भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगाया जाता है, दूध का भोग लगाया जाता है। ये आपके भाव पर निर्भर करता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप लड्डू
गोपाल को चाय का भोग नहीं लगाइएगा, ये आपके भाव पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं आइसक्रीम का भोग लड्डू गोपाल को लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। लड्डू गोपाल को आइसक्रीम का भोग नहीं लगाया जाता है। अगर शुद्ध सात्विक आइसक्रीम है तो आप आइसक्रीम का भोग लगा सकते हैं। अगर आपने घर पर आइसक्रीम जमाई है तो बाहर की आइसक्रीम का लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगाना चाहिए। और एक सब्जी और है जो कि कटहल है, कटहल का भी भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगता है। और अब बात कर लेते हैं मिठाइयों का भोग लड्डू गोपाल को, किन किन मिठाइयों का भोग लगाया जाता है और किन किन मिठाइयों का नहीं लगाया जाता है। उन मिठाइयों का भोग भी लड्डू गोपाल को नहीं लगता है जिस पर सिल्वर प्लेट अथवा गोल्डन प्लेट कवर उन पर चढ़ा होता है। कोशिश करें कि आप बिना सिल्वर जो चमकीला सो जो लगा होता है वो वाली मिठाई ना लेकर के आएँ लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए। तुलसी दल अवश्य डालें जब भी आप लड्डू गोपाल को भोग लगाएँ। तो ज़्यादा तेज यानी तेल मसाले का भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगाया जाता है। तीखा बहुत कम पसंद होता है लड्डू गोपाल को। लड्डू गोपाल को मीठे में खीर बहुत अधिक पसंद होती है, तो आप खीर और हलवे का भोग लगाते रहिएगा लड्डू गोपाल को। और अगर आपने इन चीज़ों में से पहले लड्डू गोपाल को भोग लगा चुके हैं तो कोई बात नहीं, जब नहीं पता होता है तो वो गलती नहीं मानी जाती है। आप प्रभु से क्षमा मांगिएगा, प्रभु तो बहुत दयालु हैं, सभी को क्षमा करते हैं। जब मुझे जानकारी नहीं थी तब मैंने भी गाजर के हलवे का भोग लगाया था। तो आज से आप लोगों को पता चल गया है किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए और किन चीज़ों का भोग नहीं लगाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि लड्डू गोपाल की पीरियड्स में सेवा कैसे करें, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये भी आपके भाव पर डिपेंड करता है। आपने लड्डू गोपाल से चाहे कोई भी रिश्ता बनाया हो लेकिन लड्डू गोपाल एक भगवान ही है। अगर आप लड्डू गोपाल की पीरियड्स में सेवा करना चाहते हैं तो जब भी आपका पीरियड्स आए उससे पहले आपको बाकी भगवान से यानी मंदिर से लड्डू गोपाल को अलग स्थापित करना होगा, अलग विराजमान करना होगा, तभी उनकी आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। लड्डू गोपाल की पीरियड्स में सेवा कैसे की जाती है, देखिए सबसे पहले लड्डू गोपाल को आप सुबह उठाइएगा ताली या घंटी बजा करके, और लड्डू गोपाल को आप स्नान कराइएगा, साफ स्वच्छ कपड़े धारण कराइएगा, उसके बाद भोग लगाइएगा। लड्डू गोपाल को धूप दीप दिखा करके पूजा अर्चना उनकी नहीं करनी होती है, बाकी आप उनको भोजन भोग सब कुछ ग्रहण करा सकते हैं। और शाम के समय भी, दोपहर के समय उनको सुलाइएगा, शाम के समय फिर से उनको भोग करा करके आप शयन करा सकते हैं उनको। शाम को भी हमें पूजा आती नहीं करनी होती है, दीप धूप नहीं दिखाना होता है। तो इस तरीके से लड्डू गोपाल की पीरियड्स में सेवा की जाती है। अब काफ़ी सारे लोगों का मन में ये सवाल होगा कि लड्डू गोपाल की सेवा करने से क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, लड्डू गोपाल की पूजा संतान सुख, संतान के उत्तम भविष्य, घर में सुख शांति, धन धान्य की कामना से की जाती है। इसमें भाव ऐसा होता है कि लड्डू गोपाल जी अब यह घर मेरा नहीं है, आपका है, आप ही इसके स्वामी हैं, इसके पालक हैं, इसके रक्षक हैं, सब कुछ हैं, जो होगा सब कुछ आपके आशीर्वाद से होगा। और आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही सीक्रेट बात बताने वाली हूँ। लड्डू गोपाल या बाकी बिहारी को आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो एक महामंत्र है, सिंपल सा, बस आप वो रटते रहिएगा, लड्डू गोपाल बाकी बिहारी बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। वो सीक्रेट है, और आपके एक प्रश्न का जवाब भी दे देते हैं। राधा का नाम पहले क्यों लिया जाता है? श्री कृष्ण ने कहा है इसलिए कृष्ण से पहले राधा का नाम लेना चाहिए। पुराणों के अनुसार भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि राधा उनकी आत्मा है, वह राधा में और राधा उनमें समावित है। कृष्ण को पसंद है कि लोग भले ही उनका नाम ना लें लेकिन राधा का नाम जपते रहे। शास्त्रों के अनुसार राधा का नाम जपने से श्री कृष्ण यानी बाके बिहारी बहुत ही जल्दी यानी शीघ्र प्रसन्न हो जाते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस भक्त ने मेरे 100 नाम का स्मरण किया और श्री राधा रानी का एक बार नाम लिया, दोनों का फल एक समान होगा। तो लड्डू गोपाल यानी श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अपनी प्यारी राधा रानी का नाम रटते रहिएगा। ईश्वर में आस्था रखें। लड्डू गोपाल जी ने बहुत से लोगों की ज़िंदगी में चमत्कार किए हैं। आप अपनी परिस्थिति के अनुसार लड्डू गोपाल के साथ रहकर उनकी सेवा करते रहिएगा, अपनी लाइफ में खुशियाँ लाते रहिएगा और आपकी लाइफ में भी लड्डू गोपाल चमत्कार करते रहेंगे। लड्डू गोपाल की अगर आप सच्चे मन से सेवा करें तभी आप लड्डू गोपाल घर में लेकर आएं, क्योंकि लड्डू गोपाल घर में लाने के बाद हमारे घर के सदस्य बन जाते हैं।
और अगर हम लड्डू गोपाल के अपने बच्चे की तरह प्यार करें और सेवा करें तो लड्डू गोपाल आपकी हर मनोकामना को पूरी करते हैं। अगर हम एक बार लड्डू गोपाल घर में ले आएं तो हमें हर हाल में लड्डू गोपाल की सेवा करनी होती है, यानी ख्याल रखना होता है। तो इसलिए आप जब भी लड्डू गोपाल को घर में लेकर आएं, बहुत सोच समझ कर और घर में सभी से सलाह मशवरा करके ही घर में लड्डू गोपाल को लेकर आएं। लड्डू गोपाल से जुड़ा अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं वीडियो के थ्रू या फिर कमेंट के थ्रू। मैं आप लोगों को उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी। और दूसरा, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही त्योहारों से जुड़ी वीडियोज़ देखने के लिए और लड्डू गोपाल से जुड़ी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।